गुर्जर आंदोलन से बाधित रेल यातायात, 30 से ज्यादा ट्रेनें रद्द, एक स्पेशल ट्रेन चलेगी। कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से सीबीआई लगातार दूसरे दिन रविवार को भी पूछताछ कर रही है। ईडी से पूछताछ के बाद रॉबर्ट वाड्रा का फेसबुक पर छलका दर्द, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर 3 बार ईडी पूछताछ कर चुकी है। शराब से हुई मौत के बाद मचा हड़कंप, अवैध शराब कारोबार को लेकर हुई छापेमारी। पति को शराब पीने से रोकना, पत्नी को पड़ा भारी, पत्नी ने दिया 3 तलाक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन पंडित और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रियंका गांधी के पति व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा पर पिछले कुछ दिनों से ईडी ने शिकंजा कसा हुआ था। मनी लॉन्ड्रिंग और विदेश में संपत्तियों को लेकर उनसे अब तक 3 बार ईडी पूछताछ कर चुकी है। शनिवार को भी उनसे ईडी ने कई घंटों तक पूछताछ की। अब उन्होंने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर कहा है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। वाड्रा ने अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा कि सुप्रभात, मैं पूरे देश के अपने उन सभी दोस्तों और परिचितों को धन्यवाद करना चाहता हूं जो इस समय मेरे साथ हैं। मैं ठीक हूं, किसी भी चीज़ से निपटने के लिए अनुशासित और अच्छा हूं जिसमें मुझे डाला जा रहा है। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। आप सभी को रविवार को एक सुखी रविवार और एक स्वस्थ हफ्ते की बधाई। जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद प्रशासन ने छापेमारी की कवायद शुरू की है। यूपी के बांदा में भी मुख्य सचिव और डीजीपी के आदेश के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है। आज सुबह से ही जिला प्रशासन, आबकारी विभाग और पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू करते हुए कई लीटर अवैध शराब पकड़कर शराब माफियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। छापेमारी कार्रवाई में अब तक 65 लीटर देसी अवैध शराब, कई सैकड़ों अवैध पैक्ड शराब समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा होटल, ढाबा, हाईवे अवैध शराब के ठिकानों पर, नदी किनारों समेत जिले की सीमाओं पर चेकिंग अभियान जारी है। इस संबंध में हम लोगों को जो निर्देश मिले हैं वो किसी भी तरह से मदिरा अनकंट्रोल्ड तरीके से जो भी कंज्यूम की जाती है और जो बेची जाती है या उसको ले जाया जाता है। उत्तर प्रदेश के आगरा में आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जीआईसी ग्राउंड पंचकुइया में आयोजित 214 जोड़ों के सामूहिक विवाह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए ईश्वर से कामना की गई कि इन जोड़ों के जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहे तथा दुल्हों से कहा कि अपनी पत्नी को हमेशा खुश रखें। इसके साथ ही विधायक गण ने जोड़ों को शादी प्रमाण पत्र दिए। सामूहिक विवाह में सम्मिलित 214 जोड़ों में से 8 जोड़े मुस्लिम समुदाय के थे। आज 214 जोड़ों की शादी हो रही है जी। उनमें से कितने आए नहीं आए वो तो बाद में पता चलेगी। उसके बाद यहाँ वरमाला करा के प्रमाण पत्र हमारे विधायक जी के द्वारा दी गई, उसके बाद सामान वितरण करके आज बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बिल्कुल कोई भी किसी तरह के प्रावधान मतलब परेशानी नहीं आई। आज के इस आयोजन में आगरा जनपद में 214 जोड़ों की शादी कराई जा रही है जिसमें 8 जोड़े हमारे मुस्लिम धर्म से हैं और 206 जोड़े हिंदू धर्म से। आज के इस समारोह केवल सरकारी समारोह नहीं आयोजित किया जा रहा है, इसमें मेरा प्रयास यह रहा है कि जो माहौल उन्हें घर पे शादी के लिए मिलता है वो हम उनके घर के बाहर एक जगह पे इकट्ठा करा के सारा। देखिए, असल में ऐसा है, माननीय मुख्यमंत्री की जो ये स्कीम है, इस स्कीम में पूरे आगरा शहर और गाँव देहात के भी लोग भी इसमें शरीक हुए जिसमें मुस्लिम जोड़े भी शरीक हुए। राजस्थान में जारी गुर्जर आंदोलन से ट्रेन रूट पूरी तरह प्रभावित हुई है। पश्चिम रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे ने प्रभावित ट्रेनों के बारे में जानकारी दी है। स्थिति को देखते हुए एक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है जबकि कई ट्रेनों को रद्द भी कर दिया गया है। राजस्थान में आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर आंदोलन जारी है, इससे रेलवे यातायात बुरी तरह प्रभावित है। पश्चिम रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे की ओर से प्रभावित ट्रेनों की जानकारी दी गई है। पीड़ा ऐसी गंभीर है और कल जैसे मैंने आह्वान किया था
मेरे साथियों की आवाज पे आह्वान किया था कि बार बार के आंदोलन बंद हो और ये आखिरी आंदोलन हो। धन्यवाद। और इस आखिरी आंदोलन की लड़ाई में मैं अपनी आहुति देने इस ट्रैक पर बैठा हूँ। और मेरे पूरे गुर्जर समाज से कल भी आग्रह था, आज भी है कि भाइयों हम कोई क्रिमिनल ट्राइब नहीं है। और मैं इसलिए बैठा हूं कि हम अनुशासन के साथ हमारी मांग, जो पहले लोगों ने हमें बदनाम किया कि गुर्जर ट्रैक उखाड़ते हैं, हम कुछ भी नहीं उखाड़ेंगे। हम बिल्कुल शांतिपूर्ण आंदोलन है ये हमारा, और हम करते रहेंगे। और यकीन हमारा भरोसा है, या तो हमारे को आरक्षण। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में दो युवक आपस में बीच सड़क पर भिड़ गए और एक दूसरे पर जमकर लात घूसों की बौछार कर दिया, जिसे देखने के लिए लोग सड़कों पर ही खड़े हो गए, जिस कारण सड़क पर जाम लग गया। आपको बता दें कि एक युवक साइकिल से कहीं जा रहा था, इसी दौरान एक ई रिक्शा चालक अपनी गाड़ी घुमा दिया, जिससे साइकिल सवार युवक सड़क पर गिर गया, जिसके बाद दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। लगभग 10 मिनटों तक चली इस नूरा कुश्ती में रिक्शा चालक घायल हो गया, जिससे उसके शरीर से खून बहने लगा। इस दौरान मौके पर पहुंची टीएसआई ने दोनों युवक को सदर कोतवाली भेज दिया। अभी हम लोग उधर से रास्ते को खाली करवाते हुए आ रहे थे, तो एक रिक्शा वाला मेरे पास भाग के आया कि सर ये देखिए मुझे मार दिया है, और ये बता रहा है कि इसने रिक्शा चढ़ा दिया, और रिक्शा चढ़ा दिया जिसको मारना नहीं चाहता, क्योंकि मारा है, खून बह रहा है। अब इनको हम जो है अब यहाँ पे कोई कार्रवाई मैं कर नहीं सकता, क्योंकि दोनों को कोतवाली ले जा रहा हूँ। अब वहाँ पे अगर ये चाहते हैं जैसा वैसा होगा, अगर इसको। शारदा चिट फंड घोटाले में कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से सीबीआई लगातार दूसरे दिन रविवार को भी पूछताछ कर रही है। टीएमसी कांग्रेस के पूर्व सांसद कुणाल घोष को भी शिलांग दफ्तर तलब किया गया है। इससे पहले शनिवार को राजीव कुमार ने सीबीआई के अफसरों से करीब 8 घंटे पूछताछ की थी। कुमार पर घोटाले की जांच के लिए बनी एसआईटी के प्रमुख रहते हुए सबूत नष्ट करने के गंभीर आरोप हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 10 फरवरी को दक्षिण के 3 रोज्यांड आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक के दौरे पर हैं। इसके तहत पीएम मोदी आंध्र प्रदेश के गुंटूर में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। यहां उन्होंने कई परियोजनाओं को सौगात भी दी है। प्रधानमंत्री ने यहां पेट्रोलियम और गैस से जुड़ी 6,825 करोड़ रुपये की 2 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में शराब पीने से हुई मौतों के बाद हड़कंप मच गया है। पुलिस ने अवैध शराब कारोबार को लेकर छापेमारी की है। आपको बता दें कि पुलिस ने हजारों लीटर शराब नष्ट कर दिया और मौके से कई लीटर कच्ची शराब भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस अवैध कारोबार पर नजर बनाए हुए है। जिला प्रशासन आगरा और आपके थाना क्षेत्र में क्या दिशा निर्देश जारी किया गया है? मेरे क्षेत्र में अभी तक कोई ऐसा प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है, लेकिन अधीनस्थों को सदैव एक सतर्क रहने के लिए निर्देशित किया जाता है, जैसे कि अवैध शराब न बिकने पाए और न उसका निष्कर्षण होने पाए। ऐसा कोई प्रकरण अगर प्रकाश में आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या थाना पुलिस और आबकारी विभाग की टीम दोनों सामंजस्य बना के कार्य कर रही है? हाँ, पूरी सामंजस्य कर। उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत में 3 तलाक का मामला सामने आया है, जहां पत्नी ने अपने पति को सिर्फ शराब पीने से रोका था, जिसको लेकर उसका पति आग बबूला हो गया और पत्नी को 3 तलाक बोल दिया। बागपत में एक महिला को शराब विरोध करना इतना भारी पड़ा कि उसके पति ने उसे 3 तलाक देकर जिंदगी भर ना भुलाने वाला दर्द दे दिया। फिलहाल पीड़ित ने कोतवाली में पहुंचकर आरोपी पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हम आपको बता दें कि 3 तलाक के नए कानून के तहत कभी भी किसी भी तरीके से अगर इस तरीके की 3 तलाक एक साथ दिया जाता है तो कानून में अब वो मान्य नहीं है, और इस तरीके के पति के ऊपर में 3 साल तक की सजा हो सकती है, और ये पूरा मामला गैर जमानती है। जी मां पिटी करी थी, मेरा आदमी दारू पी रहा है जी, रोड डेले की, और मैं उसे दारू से मना करूं जी, और मुझे तलाक भी दे दी उसने। कब दिया है तलाक? शाम के टाइम। क्यों मारा पिटे? जी दारू रोकू, मैं वो रोज दारू पी है। कब शादी हुई थी? 6 साल हो गई थी मेरी शादी को। बच्चे कितने? 2 बच्चे, एक लड़का था वो तुमने मारा। सर कोतवाली में 3 तलाक का मामला सामने आया, क्या पूरी मामला है जी? इसमें आई है एक महिला ने प्रार्थना पत्र दिया है कि उसके पति ने 3 तलाक दे दिया है, उसकी प्रार्थना पत्र ले गए, उसको जाँच की जा रही है और उसकी विधि कराई ली जा रही है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशन लाइव। नमस्कार।